नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेकबॉय मुकेश में दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने पोको X4 Pro के फ़ोन में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे आप अपने फ़ोन को लॉक करके डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के द्वारा अनलॉक कर सकते हैं आपके अलावा आपके फ़ोन को कोई को भी अनलॉक नहीं कर सकता मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँगा लॉक करके और डिस्प्ले से अनलॉक करके सब कुछ दोस्तों सबसे पहले आपके फ़ोन में जो भी लॉक लगा है उसको हटा दीजिए पासवर्ड पैटर्न जो भी लगा है सब कुछ हटा दीजिए इसके बाद प्ले स्टोर को ओपन करना है यहाँ पे सर्च करना है टच लॉक स्क्रीन टच लॉक स्क्रीन सर्च करने के बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ध्यान से देखिए यही एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एक मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं तो अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको परमिशन दे देते हैं अब परमिशन देने के बाद यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन है स्टार्ट के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे जैसे स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो यहां पर देख सकते हैं वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है वाल पेपर के ऑप्शन पर चलिए हम क्लिक करेंगे आप भी लोग क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ परमिशन मांगेगा तो यहाँ पे ज़्यादा परमिशन मांगता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे सारी परमिशन हम लोग इसको चलिए दे देते हैं इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है अब इसके बाद यहाँ पे कुछ वाल पेपर आपको देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर आप लोगों को मैं वाल पेपर डाउनलोड करने के लिए नहीं बता रहा हूँ डिस्प्ले फिंगर प्रिंट लॉक लगाना बताऊँगा लाइव प्रूफ दिखाऊँगा लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों को किसी भी एक वाल पर क्लिक करना पड़ेगा क्लिक करने के बाद इस पूरे डिस्प्ले में किसी भी एक स्थान पे आपको चार बार क्लिक करना है कहीं भी चार बार क्लिक करिए इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है जहां पे आपने चार बार क्लिक किया था वहीं पे फिर से आप लोगों को चार बार क्लिक करना है इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है यहां पे पिन बनाने का ऑप्शन आ जाता है आप यहां पे फोर अंकों का पिन बना सकते हैं उसी पिन को आप लोग दोबारा इंटर करके कंफर्म कर दीजिए इसके बाद यहाँ पे सेट सिक्योरिटी क्वेश्चन है इस पर क्लिक करके कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए उसका आंसर आप लोग यहां पर कुछ भी लिख दीजिए इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आप लोग सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं गाइस ओके नाम वगैरह कुछ भी वन टू थ्री फोर सबमिट कर देते हैं तो सबमिट करने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा जो भी आपने वॉल पर क्लिक किया होगा उसी वॉलर के अकॉर्डिंग आप लोगों को अलग अलग स्टाइल में अलग अलग थीम देखने को मिल जाती है सभी थीम को आपस में अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो कोई भी थीम आपस में देख सकते हैं मैच नहीं कर रही है इसलिए जो भी थीम आप लोगों को अच्छी लग रही हो पसंद आ रही हो उस थीम पर क्लिक करना है यहां पे यस का ऑप्शन दिखाई देगा लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा अब इसके बाद इस एप्लीकेशन को हम लोग कट कर देंगे कट करने के बाद फाइनली अपने फोन को हम लॉक करेंगे लॉक करने के बाद आप लोगों के सामने अनलॉक करेंगे लाइव प्रूफ यहां पर हमने अपने सेटिंग से स्लाइड वाला लॉक लगाया आप भी लगा सकते हैं और जैसे ही आप लोग स्लाइड करेंगे तो यहां पर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मांगता है कोई भी कहीं भी टच करता है आपका फोन अनलॉक नहीं होगा जहां पर आपने चार बार क्लिक किया था लगातार दो बार क्लिक करेंगे तुरंत आपका फोन अनलॉक हो जाएगा और आप अपने ने सेटिंग में जाके फेस लॉक लगा लीजिए जिससे कि कोई भी अनलॉक करना चाहेगा तो नहीं होगा जब आप डबल टाइप करेंगे तभी अनलॉक होगा ओके गाइस